प्रश्न ये है कि अगर भारत लिखा जाए तो इसको अपने नाम इंडिया से क्यों जोड़ना है? लाख मतलब अल्टीमेटली तो इंटरचेंजेबल है ही ना, ये संविधान में यही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब वो भारत लिखना चाहते हैं तो उसका श्रेय भी आप ही लोग ले लें कि हमारी वजह से लिख रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं जब भी विदेशी धरती में जाते हैं राहुल गांधी तो चीन की प्रशंसा क्यों करते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे पहली बात तो अंजना जी मैं आज ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये बहस का मुद्दा है इंडिया बनाम भारत? मैं ये जानना चाहती हूँ। आपका चैनल नंबर वन चैनल है इस देश का और आपका कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है, बहुत लोग देखते हैं, जो लाखों करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी माँ को हो सकता है अम्मा कहती हूँ, मैं माँ कहती हूँ, कोई मम्मी कहता हो, कोई कुछ और कहता हो, कोई अम्मी कहता हो, तो उससे क्या माँ के प्रति प्रेम कम हो जाएगा? नहीं, नहीं, नहीं। दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने अंजना ओम कश्यप और बीजेपी का झूठ बेनकाब किया है। डिबेट में आगे आप सुप्रिया के द्वारा बताई गई गोदी मीडिया की मजबूरी भी देखेंगे। इंडिया भारत विवाद पर सुप्रिया सिनेत ने कहा कि 2004 में मुलायम सिंह यादव द्वारा इंडिया नाम को भारत करने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने उसका विरोध किया था और संसद से वॉकआउट भी किया था। इस पर अंजना ने सुप्रिया को गलत ठहराने की कोशिश की तो सुप्रिया ने अंजना को बड़ी सिद्दत से समझाया। दोस्तों डिबेट बहुत शानदार है, अंत तक देखेगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और वो नाम जो संविधान में निहित है, तो ये अनर्गल मुद्दा है, ये वो हवा का गुब्बारा है, वो ये मैंने ये पहले मैं बीच में बोलूं उसके बाद आप बीच में नहीं बोली थी, मैंने भी मत बोली, आप चूंकि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं इसलिए मैंने पूछा जाता है। ठीक है बोलिए। जब भी सरकार नहीं, अभी अभी जवाब मत दीजिए, मेरे जवाब के बाद दीजिएगा। हर बार शगुफा छोड़ा जाता है, एक हॉट एयर बलून छोड़ दिया जाता है, उसी में बंधे रहे, उसी में उलझे रहे, वही बहस होती रहे, हर प्राइम टाइम शो पर वही चले। वही हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, वही हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, वही हुआ था 2019 में सीए लेने के बाद, आज तक कानून उसके नोटिफाई नहीं हुए, नियम नोटिफाई नहीं हुआ, कानून लागू नहीं हुआ। ये हॉट एयर बलून है, ये एक शगुफा है जो छोड़ा गया है कि हम कहीं पलटकर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, मणिपुर पर सवाल ना पूछ ले। मैं आपको इन लोगों की एक बात बताना चाहती हूं, इनको इंडिया से आपत्ति कब शुरू हुई? जब हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है और हम ही ने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और हम ही अपने आप को इंडिया कहते हैं, तो आपके पास तो ना भारत है ना इंडिया है। भारत जिसने जोड़ा 4000 किलोमीटर चल के, उससे तुम भारत पर सवाल पूछोगे? और एक बात मैं अंजना जी जरूर कहना चाहती हूं, इनका जो दिक्कतें हैं वो तब शुरू हुई जब हमने अपना नाम इंडिया रखा, वरना इन्होंने भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की बात कर रहे थे। तब क्या आप गुलामी की बात कर रहे थे? असलियत यह है कि आजाद हिंदुस्तान में पता नहीं कौन सी गुलामी के खिलाफ मोदी जी और उनके चरण चुंबक लड़ रहे हैं। और एक असलियत और है, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उनके काफी बड़े नेता होते थे एक टाइम पर, मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने ये पारित किया था, एक वक्तन पारित किया था असेंबली में कि भारत नाम रहना चाहिए, तो किसने वॉकआउट किया था, किसने उसका विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में। 2015 में, नवंबर 2015 में मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के गृह मंत्री ने एफिडेविट और हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा देश का नाम भारत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि आपने चूंकि ये पूछा था, आपको आपके हिसाब से ये बहस अनर्गल है, हमने राहुल गांधी की कई बात पर आज बहस रखी, ये बयान राहुल गांधी ने दिया और हम उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, इसीलिए ये बहस आज की है। सुप्रिया जी नहीं, अच्छी बात है, करिए बहस, मैं ये कह रही हूँ इससे देश को क्या लाभ? उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो कह रही हूँ कि ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़ती है, ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़कर ध्यान बांट। सुप्रिया जी दो बातें, मैंने भी क्रॉस चेक किया है, जब इस तरह का रेजोल्यूशन लेकर मुलायम सिंह यादव आए थे यूपी विधानसभा में तो सर्वसम्मति से सभी ने उसे स्वीकार किया था, हालांकि फिर उसके बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। दूसरा वो कह रहे हैं चीन को लेकर, और ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने चीन की प्रशंसा की है। मैं सबसे पहले तो आपको भी और भाजपा के प्रवक्ता को भी फैक्ट चेक कर देती हूं, मैं करीब 3-4 सालों से आपके डिबेट में आ रही हूं, झूठ कौन बोलता है इसकी साक्षी आप हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूं क्योंकि मेरे नेता झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की गंदी बीमारी नहीं है। इस देश में झूठ कौन बोलता है, आंख बंद करिए और एक छोटे से बच्चे से पूछिए, वो भी एक ही नाम लेगा और वो नाम इनके नेता का, इनके प्रवक्ता का है। तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, सर्वसम्मति से पास हुआ था लेकिन भाजपा ने वॉकआउट स्टेज किया था, यूनानिमसली एक्सेप्ट हुआ था लेकिन भाजपा ने वॉकआउट स्टेज किया था। मैं अभी भी उस बात को दोबारा दोहराऊंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूं। और आपकी जानकारी के लिए चलिए पहले चीन पर ही बोल देती हूं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा उसको सुनिए और समझिए और अपने दर्शकों को भी दिखाइए, ये मेरा आग्रह है आपसे। राहुल गांधी जी ने कहा चीन एक प्रोडक्शन हब बन गया है लेकिन ऐसा उसने अथॉरिटेरियन मींस और कोअर्सिव मींस से, जोर जबरदस्ती मानवाधिकारों का हनन करके किया है। हमें एक अल्टरनेट
विजन रखना है जहां पर हम डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों में शांति बहाल करते हुए भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें कौन सी चीन की तारीफ करी है? जरा सा भी अर्थशास्त्र का क समझने वाले आपको बोलेंगे चीन की जबरदस्त बुराई करी है। तो यहां पर बैठकर ज्ञान बांटना बहुत आसान है भाजपा के लिए। जिस तरह का कुशासन आप कर रहे हैं वो देश देख रहा है। मैंने एक भी बात ना गलत ट्वीट करी है और ना मैं गलत और झूठ बोलती हूं। वो आपका डीएनए है, वो आपकी सीख है, मेरी नहीं है। यूनानिमसली 2004 में इसे एक्सेप्ट किया गया था जब मुलायम सिंह यादव भारत का प्रस्ताव लेकर आए थे नाम बदलने का। लेकिन ये बात सच है क्योंकि अब रिसर्च टीम से मैंने भी फैक्ट्स निकाले क्योंकि मामला भिड़ गया था आप दोनों के बीच। गौरव भाटिया, बीजेपी ने वॉकआउट किया था। गौरव जी अब आए ना लाइन पे।